हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड आओ। दोस्तों, IBPS क्लेरिकल का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो कम्प्लीटली वेबसाइट से विड्रॉ कर लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, क्या आगे मुझे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर आगे जो लिंक है वो कब एक्टिवेट होगा। मैं आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें लिंक करके बताना चाहूँगा। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि जो चेंजेस अपकमिंग डेज में होंगे वो होंगे आपके एग्जामिनेशन के लेआउट में, तो इस वजह से जो पूरा प्रोसेस है इसको अभी 15 दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। आगे IBPS अपकमिंग डेज में जो भी आपको लिंक एक्टिवेट करके देगा उसमें आपका जो फॉर्म है वो एज़ इट इज़ इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो जिन लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, सबमिट कर दिया है, वो बिल्कुल भी चिंता मत करें, उनका फॉर्म ऑलरेडी इनपुट है उनके पास में, डेटा IBPS के पास में है और आपका एडमिट कार्ड प्रॉपर आएगा, सारी चीज़ें आपकी एज़ इट इज़ होंगी। लेकिन अब आगे से जो आपको नया लिंक देखने को मिलेगा वो केवल इस कमेटी को जो सेटअप किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो कमेटी जो है अपनी कंप्लीट जो एनालिसिस होगा कमेटी का, जो उसकी रिकमेंडेशन होगी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबमिट करेगी कि आगे क्या 13 लैंग्वेजेस में IBPS क्लेरिकल का एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये 15 दिनों के लिए इस प्रोसेस को केवल रोका गया है, दैट इज़ वाई IBPS जो है जो लिंक था उसको उसने विड्रॉ कर लिया है। और अपकमिंग डेज में जैसे ही ये रिव्यू हो जाएगा, रिकमेंडेशन चला जाएगा, उसके बाद IBPS दोबारा से इस लिंक को एक्टिवेट कर देगा और आप लोग अपने फॉर्म भर पाएंगे। तो जिन लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है सो उनको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका फॉर्म एज इट इज़ रहेगा, सबमिटेड है, कम्प्लीट है। और अब कि अभी हम कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते कि किस डेट में होगा, लेकिन 28th ऑफ जुलाई से पहले पहले ये वाली जो इवेंट है वो आपको IBPS.in वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और इसी के रिगार्डिंग जो IBPS है वो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करके कंप्लीट क्लैरिटी बता देगा। सो प्रिपरेशन अपनी तैयार रखो, क्योंकि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़रूर घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो डेट है वो आगे एक्सटेंड होगी। ओके, तो आप इस तरीके से चलो कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है, और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए लगभग 60 दिनों के आसपास का टाइम है, और लगातार अपनी प्रैक्टिस करो। और मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपसे बता चुका हूँ कि जो लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं वो दोस्तों आप ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहाँ पर आप एक फ्री टेस्ट भी बना सकते हैं IBPS क्लेरिकल के लिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और उसके लिए कोई पे आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करना और अपना फ्री टेस्ट बनाना, अपना लेवल देखना, क्वेश्चंस देखना, DI पजल्स कैसे दे रखे हैं और भी चीज़ें हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनके रिव्यू हम लोग अपने चैनल पर जरूर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑफ यू वंस अगेन। आगे अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर यहाँ पर पूछ सकते हैं।